गुड आफ्टरनून। सो मैं डॉक्टर स्मिता पाल अगेन मलुका आईएएस की ओर से फिर आपके सामने अवेलेबल हूँ। एंड वापस से हम अपनी सीरीज को फिर से शुरू कर रहे हैं, वही सीरीज जिसके पर हम लोग बात कर रहे थे। और कंटिन्यूसली जैसा आपको पता है कि हम आप एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके लिए वीडियोज डाल रहे हैं ताकि आपको इन शॉर्ट पता चल सके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट हमारी जो सीरीज चल रही थी वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर थी, और अलॉन्ग विद ग्लोबलाइजेशन हमने बहुत सारे ऐसे करंट या कंटेम्प्रेरी इश्यूज है जिस पर हमने बात की थी। मतलब तो बेसिकली हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे और आप तक हमने पहुंचाए थे। तो उसी सीरीज में हमने हम लोग जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो इम्पैक्ट ऑन वुमेन के ऊपर बात हमने कर ली थी, एंड टुडे वी विल हैव टू डिस्कस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। तो एज यू नो, आपको पता है कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, सो ग्लोबलाइजेशन आल्सो हैज टू फेसेस, द वन इज नेगेटिव एंड द वन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो उसी लिए हम जो बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का चिल्ड्रन के ऊपर इम्पैक्ट है वो दोनों तरीके से, ग्लोबलाइजेशन का ऑन इंडियन सोसाइटी अगर हम बात करें एक बहुत ही मिक्सिंग सा इम्पैक्ट है, तो कहीं नेगेटिव दिखाई देता है हमें, कहीं पॉजिटिव दिखाई देता है। तो उसी तरीके से हम एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट को पिक कर रहे हैं और उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ सोशियोलॉजी दोनों साइड से अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो देखिए, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। पॉजिटिव अगर हम बात करें तो एनहांस्ड एजुकेशनल रिसोर्सेज है, कल्चरल एक्सपोजर है, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है एटलीस्ट एक सबसे अच्छी बात हुई है कि इन चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत करना शुरू किया है। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, ग्लोबल अवेयरनेस है, अपॉर्चुनिटीज फॉर टैलेंट डेवलपमेंट है। तो आप देखते हैं कि 90s के बाद अगर हम एजुकेशन को लेकर देखें, हेल्थ को लेकर देखें, न्यूट्रिशनल सेगमेंट को लेकर देखें या टैलेंट को लेकर देखें, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्कोप है जो बच्चों के लिए खुलकर सामने आए। मतलब वो स्कोप जो पहले कभी किसी बहुत टैलेंटेड, बहुत सुपर टैलेंटेड बच्चे को मिला करते थे, तो 90s के बाद जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, जब से हम देखते हैं डिजिटलाइजेशन हुआ, हमारा जो मिलना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हुआ, तो आपने देखा कि वो सारी चीज़ें मतलब स्प्रेड हुई सब जगह पर। और वो जो पर्टिकुलर एक्सपोजर जो किसी चिल्ड्रन को या किसी चाइल्ड को मिलना चाहिए या चिल्ड्रन को मिलना चाहिए, वो पर्टिकुलरली उन्हें अवेयर होने का काम हुआ है। और हम बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हम सब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो दीज आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड वन दैट इज निगेटिव इम्पैक्ट। तो ऑब्वियसली एक सिक्के के दो पहलू है, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो जहाँ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहीं पर उसके साथ साथ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट वन इज कंज्यूमरिज्म प्रेशर, लॉस ऑफ प्राइवेसी, एजुकेशन इनइक्वालिटी, नेक्स्ट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अलॉन्ग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट्स एंड माइग्रेशन। तो जैसे हम देखते हैं कि इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट, खासतौर से हम बोले कि जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ऑन द चिल्ड्रन वो डिजिटलाइजेशन को लेकर हुआ, सोशल मीडिया को लेकर हुआ, मोबाइल फोन्स को लेकर हुआ। और एक तरीके से आपको पता है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर 90s, तो आपने देखा कि जो जॉइंट फैमिली कल्चर था, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ। तो बच्चे 90s तक या हम 2000 तक बात करें तो एक जॉइंट फैमिली कल्चर में रहते थे, जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, बुआ या और बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके अंडर वो रहा करते थे। तो बच्चों को और किसी तरीके के एंटरटेनमेंट की नीड नहीं होती थी, क्योंकि एक फैमिली उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था, एक संस्कार का, कल्चर देने का सोर्स होता था। पर आपको पता है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ और हम 21st सेंचुरी में आगे बढ़े, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ओर हम आगे बढ़े, वैसे वैसे आप देखते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में एक डिटेरियरेशन देखने को मिलता है, एक अग्रेसिवनेस, एक जो अग्रेशन है वो उनके अंदर देखने को मिलता है, एक लोनलीनेस देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे अब जॉइंट फैमिली में नहीं है, हस्बैंड वाइफ या मतलब जो पेरेंट्स है बोथ आर वर्किंग,
तो दोनों करियर कॉन्शियस है, बच्चा अपने आप स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, खुद खाना लेकर खा रहा है, पेरेंट्स शाम को आ रहे हैं, थके हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली वही हम बोलते हैं कि एवरी कॉइन इज अ टू फेसेस। तो जहाँ पर हमें कुछ अच्छाई दिखाई देती है तो वहीं पर साथ साथ हमें कुछ बुराई भी नजर आती है। बट सबसे जो गलत चीज हुई वो ये हुआ कि बच्चे जिन्हें हम फ्यूचर कहते हैं, कल की डेट का, जो किसी भी कंट्री का, सोसाइटी का, फैमिली का फ्यूचर होते हैं, अगर उनके मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली ये हमारी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत या हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत साबित होगा। और इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एनहांस्ड एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कल्चरल एक्सपोजर, बट इट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस सच एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड increased screen time. Balancing these effects requires mindful integration of global influences while preserving local values and ensuring the equitable access to opportunities. तो वही बात है कि अगर हम challenges को, उस defection को अगर हम कहीं कम कर पाए तो definitely शायद जो globalization की positivity है, जो उसको positive impact है, वो हम कहीं children या बच्चों के ऊपर डाल पाए। और हमें हमेशा सोचना है कि ये वो कच्चे घड़े हैं जिन्हें अगर आज ठीक तरीके से शेप नहीं किया गया तो कल वो ठीक तरीके से ह्यूमन बीइंग भी नहीं बन पाएंगे। बाकी सारे ह्यूमन रिसोर्स या अदर लाइबिलिटीज की बात को हम छोड़ दें, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम बच्चे जो इस देश का भविष्य है, तो बहुत जरूरी है कि उनकी मेंटल हेल्थ को, उनके फिजिकल हेल्थ को, उनके न्यूट्रिशन को, उनके इमोशंस को, एक्सेट्रा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर देन किसी भी प्रोसेस में हम आगे बढ़े। और ग्लोबलाइजेशन के साथ ये बात उतनी ही सटीक जो है यहाँ पर प्रूफ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ अपनी इसी सीरीज में, ग्लोबलाइजेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।